क्रिकेट जगत में कई बार ऐसा हुआ है जब बड़े से बड़े खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। इस दौरान उन्हें दिग्गजों की ओर से आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। हालांकि बड़े क्रिकेटर्स इसे पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। इन दिनों भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिस कारण उन्हें टीम से बाहर करने को लेकर तमाम बातें भी हो रही हैं। इस दौरान किंग कोहली के फॉर्म को लेकर एक ऐसे क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट किया है जिसने ना तो आज तक कोई बड़ी टीमों के खिलाफ मैच खेला है और ना ही क्रिकेट की दुनिया में कोई खास पहचान रखता है। फैंस ने ट्वीट को लेकर उस बोर्ड की जमकर क्लास भी लगाई है। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं पूरी कहानी। जिस देश की पूरी क्रिकेट टीम है किंग कोहली के सामने बौनी, वही दे रहा है कोहली के बारे में ज्ञान। खुद तो कभी कोहली का सामना कर ना पाए और ये बताने चले हैं कि वो किसके खिलाफ खेलें, किसके खिलाफ नहीं। एक ऐसा बोर्ड जिन्हें क्रिकेट की एबीसीडी तक नहीं आती, वो क्रिकेट के किंग को टीम में रखने और ना रखने की सलाह दे रहा है। अपने देश के क्रिकेटर्स के क्रिकेट स्किल को सुधारने में ध्यान देने की बजाय वो बीसीसीआई को क्या करना चाहिए ये बता रहा है। कोहली पर किए गए ट्विटर वॉर पर फैंस ने ऐसी लगाई क्लास की ट्वीट करने वाले के उड़ गए होश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज में केएल राहुल के फॉर्म को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। फैंस उन्हें टीम से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच आइसलैंड क्रिकेट ने नया ही मुद्दा शुरू कर दिया है। उन्होंने विराट कोहली के टेस्ट में फॉर्म को लेकर तंज कसा है। 2022 एशिया कप के बाद से कोहली व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो नियमित तौर पर रन बना रहे हैं, लेकिन टेस्ट में कोहली पिछले काफी वक्त से कुछ खास नहीं कर पाए हैं। इसी को लेकर आइसलैंड क्रिकेट ने निशाना साधा है। हालांकि उन्हें भारतीय फैंस की ओर से भी करारा जवाब मिला है। दरअसल कोहली टेस्ट में पिछली 13 पारियों से अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने अब तक 44, 20 और 12 रन की पारियां खेली हैं। कोहली ने टेस्ट में पिछला शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन में लगाया था। इसके बाद से वो इस फॉर्मेट में रन के लिए जूझते दिखे हैं। आइसलैंड ने अपने ट्वीट में इसी चीज को दर्शाया है। उन्होंने लिखा, यह आंकड़ा कई भारतीय फैंस को होश नहीं करेगा, लेकिन विराट कोहली के पिछले शतक 2019 के बाद से अब तक 23 टेस्ट हो चुके हैं। इतना लंबा इंतजार करना बहुत लंबा इंतजार होता है। हालांकि आइसलैंड क्रिकेट के ट्वीट के बाद कोहली के फैंस भी मैदान में उतर आए। सहज सिंह नाम से सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि पिछले शतक के बाद से सिर्फ एक साल गुजरा है। 2020 और 21 का आधा हिस्सा कोविड में ही बीत गया। जब एक खिलाड़ी के पास कोहली जितने शतक हो तो कम से कम एक और साल के लिए उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। वेंकट विक्रम नाम के यूजर ने लिखा, जब तक टीम जीत रही है कोई समय अवधि बहुत लंबी नहीं है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये एक टीम का खेल है और व्यक्ति केवल ग्रुप के रूप में टीम को योगदान देते हैं, ना कि इसके विपरीत खुद के लिए। विश्रुत कृष्णा नाम के एक यूजर ने लिखा, वो फॉर्मेट दर फॉर्मेट वापसी कर रहे हैं। वो पहले से ही वापसी कर चुके हैं। वनडे में 3 शतक मारने से पहले 2 मैचों में वो आउट ऑफ फॉर्म में दिखे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज में उनके 44 और 21 रन संकेत हैं कि उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया है। प्रभंजन बदामी ने लिखा, सिर्फ शतक बल्लेबाज को परिभाषित नहीं कर सकते। शतकों के बिना लगातार रन बनाना भी यदि अधिक नहीं तो समान रूप से श्रेय के योग्य है। कोहली के मामले में काफी समय तक फॉर्म में नहीं रहने के बावजूद उससे पहले बनाए गए रन के लिए उन्हें मौके दिए जा रहे हैं। उनका नाम ही काफी है। आपको बता दें कि हाल ही में कोहली ने अपने करियर में एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में तीसरे दिन ऐसा किया। इस मामले में कोहली ने अपने आदर्श और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जो 577 मैचों में इस लैंडमार्क तक पहुंचे हैं। वहीं विराट ने 549 मैचों में ऐसा किया है। विराट और सचिन के बाद रिकी पोंटिंग, जैक कैलिस, कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने इस लिस्ट में हैं। देखा जाए तो विराट कोहली का सीमित ओवर्स क्रिकेट में भी एक समय में फॉर्म काफी खराब हो गया था और उन्होंने पिछले साल यूएई में आयोजित एशिया कप के जरिए फॉर्म में वापसी की थी। उस टूर्नामेंट में विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में यादगार शतक लगाया था। शतक पारी के जरिए कोहली लगभग 3 साल के शतकीय सूखे को खत्म करने में सफल रहे थे। एशिया कप के बाद से कोहली सीमित ओवर्स क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं।